हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 5 जुलाई 2019 और यह हमारी 191वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अंबाती रायडू। हाल ही में अंबाती रायडू ने संन्यास लिया है। दोस्तों आपको बता दें अंबाती रायडू भारत के ओपनर बैट्समैन थे और इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया जा रहा है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि विश्व कप में ना चुने जाने के कारण रायडू ने यह फैसला लिया है। 2013 में वनडे खेला था इन्होंने अपना पहला और 55 वनडे में इन्होंने भारत के लिए 1694 रन बनाए हैं। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, संन्यास के बाद आइसलैंड क्रिकेट ने ट्वीट कर अंबाती रायडू को अपनी टीम में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो इतना आपको अंबाती रायडू के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जनगणना 2021 के लिए कितने जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 3 जिलों को। मध्य प्रदेश में जनगणना 2021 के लिए 3 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। दोस्तों जनगणना 2021 को लेकर राज्य का जनगणना निदेशालय अभी से तैयारियों में जुट गया है। 2 साल बाद होने वाले इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की चूक ना हो इसके लिए अगले महीने से जनगणना की रिहर्सल की जाएगी। जनगणना की रिहर्सल के लिए सागर, इंदौर और होशंगाबाद को बतौर पायलट प्रोजेक्ट जिले शामिल किया गया है इस 2021 के कार्यक्रम के लिए। दोस्तों आपको बता दें 2021 में जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण का जो शुरुआत है वह 9 फरवरी से 21 फरवरी 2021 तक चलेगा और दूसरा चरण अप्रैल सितंबर के बीच 2021 तक चलेगा। तो इतना आपको इस जनगणना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण का आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मसूद अख्तर। हाल ही में मसूद अख्तर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण का आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी बता दें तो दुर्ग विजय सहको, इन्हें सचिव बनाया गया है राज्य सूचना आयोग में। जीबी रश्मि को दोस्तों इन्हें अपर सचिव बनाया गया है राजस्व में और शिल्पा गुप्ता इन्हें हाल ही में सीईओ बनाया गया है ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का। तो इतना आपको इन चारों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का रेस्क्यू कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नंदा देवी में। नंदा देवी में दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें 18,000 फीट की ऊंचाई पर 8 पर्वतारोहियों के शव लाने के लिए बर्फ में दुनिया का सबसे बड़ा यह रेस्क्यू चलाया गया है। दोस्तों 18 लोगों की बचाव टीम में 4 एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें 38 दिन पहले यानी 25 मई को नंदा देवी पर्वत के बेस कैंप पर लापता हुए 8 पर्वतारोहियों के शव को लाने के लिए यह रेस्क्यू किया गया है नंदा देवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन सी सेवा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जन अधिकार सेवा। हाल ही में जन अधिकार सेवा मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। दोस्तों आपको बता दें मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा के शासन में शुरू हुई समाधान ऑनलाइन सेवा बंद कर दी है और इसकी जगह जन अधिकार सेवा लॉन्च की है। दोस्तों 9 जुलाई से जन अधिकार सेवा के नाम से हर दूसरे मंगलवार को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अफसरों से सीधी बात करेंगे।
दोस्तों जन अधिकार में सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम हेल्पलाइन व लोक सेवा गारंटी की समीक्षा भी करेंगे। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में जन अधिकार सेवा लॉन्च की गई है और इसका पूर्व नाम समाधान ऑनलाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में विशेष गैंडा सुरक्षा तैनात की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष गैंडा सुरक्षा तैनात की गई है। दोस्तों हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष गैंडा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इस कार्य के लिए 82 सदस्यीय विशेष गैंडा सुरक्षा बल को प्रशिक्षण दिया गया है। दोस्तों यह बल अवैध शिकारियों का मुकाबला करेगा। दोस्तों आपको बता दें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। तो दोस्तों इतना आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर बैन लगाया गया है। न्यूजीलैंड में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों यह प्रतिबंध हाल ही में 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यापारिक इकाइयों पर जुर्माना लगाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 80 से अधिक देशों में इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैग होता क्या है इसके बारे में, तो दोस्तों ये बैग 70 माइक्रोन से कम की मोटाई का बना होता है। प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन चुकी है अभी विश्व में, तो इसके लिए न्यूजीलैंड में यह बैग बंद किया गया है। दोस्तों अब बात आई है न्यूजीलैंड की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट न्यूजीलैंड के बारे में बता दें। दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मोनार्च है एलिजाबेथ द्वितीय और प्राइम मिनिस्टर है जैसिनडा एड्रेन। दोस्तों आपको बता दें जो करेंसी है न्यूजीलैंड की वह है न्यूजीलैंड डॉलर। तो इतना आपको न्यूजीलैंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां 34वीं नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद में 34वीं नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में सेलिंग वीक नेशनल रैंकिंग मल्टी क्लास चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हा द्वारा किया गया है। दोस्तों आपको बता दें इस इवेंट का आयोजन 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच किया जाएगा। इस इवेंट में 190 से अधिक सेलर और 16 सेलिंग क्लब हिस्सा ले रहे हैं। इसका आयोजन सिकंदराबाद सेलिंग क्लब और EME सेलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है हैदराबाद में। तो इतना आपको हैदराबाद के बारे में याद रखना है। दोस्तों कल ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था मैंने कि हैदराबाद के एयरपोर्ट पर हाल ही में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी। हाल ही में मीनाक्षी लेखी ने द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों दिल्ली में लोकसभा सांसद और सर्वोच्च न्यायालय में वकील मीनाक्षी लेखी ने द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में कृष्ण कुमार ने भी योगदान दिया है। दोस्तों इस पुस्तक को 8 जुलाई को जारी किया जाएगा। दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को दिखाने के लिए यह पुस्तक मीनाक्षी लेखी द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक का नाम है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2018 में पद्मश्री के लिए नवाजा गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मालती जोशी। दोस्तों यहां पर मालती नहीं है,
मालती जोशी को साहित्य और शिक्षा के लिए यह पद्मश्री दिया गया है। केशव राव मुगल गावकर को इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री दिया गया था 2018 में। भज्जू श्याम को संगीत और कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था और बाबा योगेंद्र को इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2018 दिया गया था। तो इन चारों के नाम आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश वासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला भारत का मध्य बिंदु है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बैतूल। बैतूल जिला भारत का मध्य बिंदु है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, भारत का कौन सा जिला मध्य बिंदु है? तो इसका सही ऑप्शन है बैतूल। दोस्तों अब बैतूल की बात आई है तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बैतूल के बारे में बता दें। दोस्तों बैतूल नर्मदापुरम संभाग का एक जिला है। भैंसादेही में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। मुक्तागिरी जो प्राचीन जैन तीर्थ स्थल है यह बैतूल जिले में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें मुलताई जहां ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है यह बैतूल जिले में ही स्थित है। घोड़ा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया था। दोस्तों बैतूल की प्रमुख नदियां गंजाला मोरंद और वर्धा हैं। वन विद्यालय की स्थापना 1980 यानी 1980 में बैतूल जिले में की गई थी। प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब भी बैतूल में ही बनाई गई है। भोपाली का मेला बैतूल जिले में ही लगता है। दोस्तों सारणी में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है जो बैतूल जिले में ही है। दोस्तों तीन प्रमुख गुफाएं हैं बैतूल में, तो पहला है महादेव, दूसरी है पर्वत गुफा और तीसरी है गयकोथा गुफा। ये सभी गुफाएं बैतूल जिले में ही स्थित हैं। तो दोस्तों इतना आपको बैतूल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पवित्र स्थल दतिया जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सोनागिरी। सोनागिरी पवित्र स्थल दतिया जिले में स्थित है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी बता दें। तो मुक्तागिरी दोस्तों यह बैतूल जिले में स्थित है। पावागिरी यह ऊन जो खरगोन जिले में स्थित है वहां पर यह पावागिरी पवित्र स्थल मौजूद है। हिंगल राजगिरी दोस्तों यह इंदौर जिले में स्थित है और वहीं सोनागिरी यह दतिया जिले में स्थित है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कहाँ श्रवण महोत्सव मनाया जाएगा? जिसका सही ऑप्शन था दोस्तों उज्जैन। उज्जैन में श्रवण महोत्सव मनाया जाएगा 21 जुलाई से। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण लागू किया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।